भोजपुरी के विवादित सिंगर रह चुके संदीप तिवारी की इंडस्ट्री में एंट्री हुई और उन्हें कई सारी परेशानियां झेलनी पड़ी। लेकिन ये परेशानी किसी और को ना झेलनी पड़े, इसके लिए संदीप ने हाल ही में अपना एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो खोला है। क्या है इस स्टूडियो की खासियत और क्यों संदीप इसकी इतनी तरफदारी कर रहे हैं, आइए सुनाते हैं। भैया लोगों प्रणाम, हम भोजपुरी गायक संदीप तिवारी, हमारा सनराइज रिकॉर्डिंग स्टूडियो के माध्यम से कुछ कॉल चाह। स्टूडियो हमारा है, लेकिन पूरा कलाकार जौन भी मन में इच्छा लेके पैदा हो कि हम सिंगर बनी, हम कुछ भोजपुरी में हिंदी में नाम कमाई, नाम बनाई, वो कलाकार भाइयन खाती जे कलाकार के ना इज्जत करेला। हम एगो सिंगर हैं तो हम सारा सिंगर की इज्जत करें और सबके अपन माने नहीं। तो सनराइज रिकॉर्डिंग स्टूडियो खोलने बनी हम ए लिए जौन सिंगर लोग गाना ना गा पाला पैसा के अभाव से, पैसा कम भैया के नाते अपन इच्छा के दबा देला, वो कलाकार खातिर सनराइज रिकॉर्डिंग स्टूडियो पटना में खुलल बा। आई लोग अपन अपन यहाँ पे गाना एल्बम बनवाई लोग उचित रेट पर जैसा इच्छा करे वो हिसाब से, और हम सिस्टम को कुछ दिखाओ चाहें कि यहाँ पे सेटअप भी कोई भी ऐसा सेटअप नहीं है कि थोड़ा सा डो चाहे लाओ ऐसा कोरोना चीज नहीं कर, सब हाई क्वालिटी के सिस्टम लागल बा। लेबलिंग के हिसाब से जौन पटना में तमाम दिल्ली में जो लाख लाख रुपए दे के एल्बम लोग बनवावे ला, लेकिन उसे कोनो फायदा ना होला। यहाँ हमारे स्टूडियो पूरा देख सके नहीं, स्टूडियो के पूरा साउंड प्रूफ स्टूडियो बढ़िया से एकदम पूरा वीआईपी तरीके से, और अगर बहुत जल्दी है पूजा भैया 18 तारीख है नवरात्रि के स्टार्टिंग के दिन है, और रोड के माइक हर तरीके के मतलब फैसिलिटी एक नंबर के, जौन दूर से कलाकार आवतन वगैरह के रुकले खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग ज़्यादा से कोशिश करिए इस वीडियो को शेयर करने के लिए, इसलिए कि वो मेरे गरीब भाई कलाकार जितने भी सिंगर हैं हर तरीके के, ऐसा नहीं है कि सिंगर ही लोग के लिए है, यहाँ पे एक्टर डांसर मॉडल और सिंगर हर तरीके के लोगों के लिए यहाँ पे चांसेस हैं और सबको काम मिलेगा। एक बार आप लोग कॉल करके कॉन्टेक्ट करके देखिए संदीप तिवारी से, और ये मेरा सिस्टम है एक बार ज़रूर देख लीजिए अंदर तक, थोड़ा सा अंदर सब दिखा दीजिए भाई। स्टूडियो का सिस्टम है ये सब टोटल, रहने ठहरने का अंदर भी दिखा दीजिए थोड़ा सा पूरा। ये रोड का माइक है, ये देख लीजिए। तो ये है मेरे भाइयों के लिए, गरीब कलाकार अमीर कलाकार जो भी काम करना चाहते हैं सनराइज रिकॉर्डिंग स्टूडियो के माध्यम से वो काम करें, आगे बढ़ें और अपने गांव जवार जिला में अपने भारत देश में अपना कुछ नाम बनाए, पहचान बनाए और सब लोग आगे बढ़ें, सबका साथ सबका विकास। मोदी जी जैसे कहते हैं वैसे ही मेरा भी नेचर वही है, सबका साथ होना चाहिए, सबका विकास होना चाहिए। तो मैंने सनराइज रिकॉर्डिंग इसीलिए खोला है कि जितने भी मेरे गरीब कलाकार भाई लोग हैं, सिंगर हैं, एक्टर हैं, डांसर हैं, जो लोग आगे नहीं बढ़ पाते उनके लिए है। आप कॉल करिए, सबको काम मिलेगा, एकदम मिलेगा। जय माता दी, जय भोजपुरी। नेक्स्ट 9 न्यूज़ भोजपुरिया की रिपोर्ट। नेक्स्ट 9 न्यूज़ भोजपुरिया के सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं।